अंबाला में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चौक चौराहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे ठप पड़े हैं। आलम यह है कि कैमरों के लिए लगाए गए डीवीआर धूल फेंक रहे हैं और कई कैमरों को पेड़ पौधों ने घेर लिया है। वहीं शहर के मुख्य चौराहों पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों ने अब इन कैमरों को दुरुस्त करवाने के लिए आला अधिकारियों को सूचना दे दी है। ये तस्वीर उस वारदात की है जिसने दिन दिहाड़े अंबाला को ठर्रा दिया था। शहर के व्यस्तम कालका चौक पर दिन दिहाड़े बदमाशों ने एक गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने की सोची। लेकिन पुलिस को सीसीटीवी कैमरों में तब कुछ मिलता अगर सीसीटीवी कैमरे चालू होते। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर लगे ये सीसीटीवी कैमरे लंबे अरसे से ठप पड़े हैं। इस बात की गवाही चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के लिए स्थापित किए गए कंट्रोल रूम में धूल फेंक रहे ये डीवीआर खुद दे रहे हैं। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि इस बारे में अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। आपने कोई इसके अधिकारियों से शिकायत कर रखी है भाई ठीक करवाने के लिए? इनकी लिस्ट में शिकायत हो रही है कि वहाँ ठीक करने के लिए तैयारी चल रही है, बाकी ये एक दो दिन में ठीक हो जाएंगे, अफसरों के नॉलेज में है, तो कार्रवाई जारी है। सर, शहर में सीसीटीवी कैमरे हर चौक चौराहे पर लगाए हैं लेकिन वो बंद पड़े हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ये हो सकता है कि किसी कारण से टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया हो, लेकिन आप ये मेरे संज्ञान में लेके आए हो, हम इनको चेक भी करते रहते हैं और अब करा भी लेंगे दोबारा।